सबसे पहले लेंगे पैसा सभी लोगों पहली बॉमनी हुई है हमारी बाबा के हाथ से वाना हो गई और डीपी अभी लाइट आ गई दोस्तों। मैंने पहले ही बोला था अम्मा को मैंने हॉस्पिटल चलो अम्मा डॉक्टर ने 100 रुपए तो फीस दशहरा की तैयारी। हेलो राम राम जी नमस्ते गुड मॉर्निंग और सब कैसे हो जी आशा करते सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में दोस्तों। आज है 15 जून। आज अभी हम ट्रांसफार्म से लाइट चालू करवाएंगे कॉलोनी में और सबसे पहले लेंगे पैसा सभी लोगों से वाना करवाएंगे। देखते हैं कौन कौन पैसा देते हैं कौन कौन नहीं देते हैं। चलेंगे हमारे मामा जी थोड़े गर्म हो रहे हैं। मामा राम राम। अभी इस समय हम उगाना कर रहे हैं जो खर्चा हुआ है अब देखते हैं खर्चा कौन कौन देते हैं। वैसे अभी हम देखो इधर घूम रहे हैं ये हमारे भैया जी वो भी फाइल लेके घूम रहे हैं। कोई पूछेगा कितना खर्चा हुआ ये देखिए इतना खर्चा हो गया है। तो यहाँ पे लोग जो नए घर बन रहे हैं उनसे भी पहली बॉमनी हुई है हमारी बाबा के हाथ से हमारे बाबा ने दी है 200 रुपए। उधर गए तो उधर से तो मिला नहीं अभी वो तो बोल रहे बाद में देंगे। चलो दो तीन लोग ऐसे हैं हमारे कॉलोनी में जिन्होंने अभी पैसा नहीं दिया मतलब बाद के लिए बोल दिया है। पैसा तो मिलेगा लेकिन फिलहाल तुरंत नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं। बाकी के सभी लोगों ने अभी पैसा दे दिया है और जिनका जितना पैसा खर्चा हो गया उनका जैसा वैसा हिसाब करते हैं कंप्लीट। वाना हो गई और डीपी वहाँ पर डीपी चढ़ाएगा बिना दे दो चढ़ाया हुए कन्या बन्या को बुला लो। अरे जय सही है भगत हनुमान जी को डीपी पे चढ़ाया हुआ बांट दो प्रसाद। आज ट्रांसफार्म जले लाइट जलेगी तो इसलिए आज प्रसाद वगैरह बांटते हैं पहले। अरे और सभी का हिसाब हो गया पैसा जितना आया इन पे डबल लगाया। लेकिन एक बात हाँ देखो हम हैं एकदम मतलब बेरोजगार और ये सर्विस वाले सही बात है नहीं एक वो सर्विस वाले हैं और वो भाग गए मतलब इनको हम लोग भाग रहे हैं ये सर्विस वाले तो इनको कुछ खर्चा पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नो डिस्काउंट कमेंट में आएगा देखो कमेंट में आएगा बताएंगे कमेंट में भाई सर्विस में इनको देना चाहिए। चलो अभी लाइट आ गई दोस्तों पंखा चलने लगे और लाइट भी जला के देख आ गई लाइट। अब थोड़ा लाइन पे लाएंगे अपने काम को बहुत ज़्यादा लेट हो गई हमारी वीडियो। अम्मा बैठी अम्मा पंखा चला लो कूलर चला लो आराम से बैठो अब लाइट आ गई। हाँ अब राम राम कर लो सबने आशीर्वाद दे दो ले। इतने दिनों बाद अम्मा का आशीर्वाद मिल गया अब तो अच्छा लगने लगा। चलो अब नहाना धोना करते हैं पहले परेशान हो गए। अभी नहाना धोना हो गया पूजा पाठ हो गया बस अब खाना पीना खाते हैं। आप सब भी खा लीजिए। आज के खाने में है दाल काय की दाल बनाई लाली मूंग मसूर की दाल बनाई है बस अब खाना खाते हैं। अम्मा खानो खा लो खाना खाओ भी खा लो अम्मा तो फ्री हो गई पहले ही खा के। दोस्तों अभी चलते हैं अम्मा को अम्मा के पैर में अभी हल्का हल्का सा दर्द होता है और आज योगेश का भी एक्सरा वगैरह वो आज योगेश का भी प्लास्टर वगैरह को 10 दिन हो गए तो उसको भी कटवाएंगे। तो अभी चल रहे हैं हॉस्पिटल। अम्मा भी बोल रही थी दर्द होता रहता जब कभी पैरों में तो अम्मा को भी लेके चलते हैं साथ में दोनों का हो जाएगा इलाज। अभी चल रहे हैं हॉस्पिटल आराम से ताल आराम से। अम्मा गांव में रेखा आई मैंने बोला था मैंने गांव में लगती एक वैसे भी देख लेते हैं वहाँ पे तो गई थी दिखवाने के लिए लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बनी बोल रही थी कोई नहीं देखता है गांव में। मैंने पहले ही बोला था अम्मा को मैंने हॉस्पिटल चलो अम्मा तो अम्मा पहले नहीं गई थी बहुत मैंने ज़बरदस्ती की थी फिर भी अभी ले कर चल रहा हूँ अभी भी मना बोल रही हैं। एक बार पता बता देगा बड़ा डॉक्टर क्या परेशानी है घुटनों में। अब मना बोल रही हैं अब बैठ जाऊँ बैठा लल्लू उठा गया। अभी आ गए हम हॉस्पिटल पे अम्मा पकड़ लियो अम्मा सही थे अम्मा पकड़ लिया अम्मा अम्मा पकड़ लियो ना का बाल में तार काड़ी रख दो। तो अभी आ गए हम घर पे अम्मा का तगड़ा इलाज हुआ अम्मा को अटैक पड़ गया होता डॉक्टर ने 100 रुपए तो फीस ली और 900 रुपये की दवा दी 150 रुपये का ये आया अम्मा का जो ये घुटने का ये लगा हुआ है कवर सर 150 रुपये का ये आया। अम्मा बोल रही थी इसने मार दिया इतना महंगा।
प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो ऐसे ही पैसा लेते हैं, अब क्या करें, अपनी थोड़ी चलती है वहाँ पे। अब योगेश को आराम तो मिल गया, दवा भी आ गई इसकी, और वजन लेने के लिए मना किया है अभी भी करीब एक महीने के लिए, यानी एक महीने आराम ही करना है अब ये रुक जाए तो। दोस्तों अभी 2:20 हो रही हैं और अभी फिर से हमको मार्केट जाना है, कल दशहरा है तो दशहरा के लिए कुछ सामान, घर का राशन वगैरह भी लेके आना है। सोनी कुछ सोच रही थी, देखते हैं कल क्या करती है, कन्या बने कुछ बोल रही थी कल इंदे खरबूजे लेके आने हैं, कल का त्यौहार है ना दशहरा का, और किचन के लिए पत्थर भी लेके आना है, साग सब्जी राशन। तो अभी विवेक जा रहा है साथ में और इस समय 2:00 2:25 हो गई अभी इस समय। दोपहर तो बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, और लेकिन जो काम करना है करना ही है, क्योंकि 3 दिन तो हमारे लाइट में बर्बाद हो गए भागते भागते, वीडियो हमारी कुकिंग वाली बन नहीं पा रही है, तो अब पूरा राशन वगैरह लिख रहे आते हैं, जिससे कल से अपना वीडियो प्रॉपर जो डालते हैं कुकिंग का जो बनाते हैं वो बनाना स्टार्ट करते हैं, जिससे थोड़ा अच्छा लगे हमको भी, क्योंकि हमारे वीडियो नहीं बनते हैं, काम नहीं होता है तो मन भारी भारी सा रहता है। अभी आ गए हम मार्केट में और काफ़ी गर्मी है, और विवेक बोला पापा जी आम का जूस पीते हैं, तो चलिए जूस पीने के बाद सीधे आए हम सब्ज़ी मंडी। तो सब्ज़ी मंडी में ना यहाँ पे इस समय नींबू काफ़ी बढ़िया मिल रहे हैं और आज का रेट भी काफ़ी अच्छा है, मेरे को यहाँ पे मिल गया यानी 40 रुपये का 500 ग्राम नींबू, मेरे नींबू ले लेते हैं, शिकंजी बना बना के पियेंगे। और इधर ये कलिंदे खरबूजे वाली दुकान वाले ना ये DJ रखते हैं साथ में, तो इनकी वजह से यहाँ पे तुरंत बोल के वीडियो नहीं बना सकते। प्याज ले लिए हमने 2.5 किलो, और ये प्याज लगाई इन्होंने 70 रुपये के 2.5 किलो ने, पकड़ रख जाए। तू कहाँ बेच रहा है भिंडी? तो अब आज मैं काम की चीज़ें ना आते, मैं वैसी चीज़ ले आया हूँ, आलू पालू धनिया बधनियों ना दिख रहा। कल का दशहरा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ कलिंदे खरबूजे ये वाले आइटम ना बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो अभी हम भी लेके चलते हैं। विवेक बोला पापा जी ले लो 8-10 किलो कलिंदा, तो कलिंदा ही ले लेते हैं फिलहाल। अभी हमने पूरा साग सब्जी ले लिया, अब चलते हैं राशन पानी का सामान लेंगे और अपने पत्थर वगैरह लेके जाएंगे और पाए। अभी ले रहे हैं अपना राशन का सामान, उसके बाद में चलेंगे फिर पत्थर वगैरह का सामान लेंगे। अभी हमने पाइप ले लिया ऊपर के लिए, विवेक बाबू अंदर बैठ गए ऑटो के, देखो वो बैठा है अंदर। अभी अपना पत्थर भी लेकर आ गए, मतलब फ़िलहाल में किचन में यही लगवा देते हैं, ग्रेनाइट वगैरह थोड़ा बाद में लगवाएंगे, और जो पाइप चाहिए हमको किचन के ऊपर निकालने के लिए, तो 3 पाइप लेकर आए हैं। पाइप हमारे यहाँ पर आया है करीब जो किसान का आता है 800 रुपये का एक पाइप, 20 फिट का आता है ना वो आया है, और ये जो पत्थर आया है हमारा आया है करीब 1285 रुपये का, ऐसे कुछ आया है ये 25 रुपये फुट ये थोड़ा वाला, और जो सद्दल वगैरह है वो थोड़ा मोटा है वो 70 रुपये फिट लगाया है, ऐसे पत्थर लगाया है। पत्थर का काम हर किसी को नहीं करना चाहिए, मतलब जिनको नॉलेज है वही उठादरी करें, क्योंकि हमने पत्थर का काम किया तो हमको पता है कि पत्थर किस तरीके से उठाया जाए, इसीलिए हमने उठा लिया, बाकी का वरना लेबर पे ही करवाएं। दोस्तों आज का पूरा दिन भागते भागते निकल गया, परेशान हो गए आपको क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा परेशान, देख लो अब राम राम हो रही है इसकी। और स्वार्थी का सूट पहन लिया है, मैं बोल रहा था सोनी सोनी और ये घूम रही थी मैं, और मेरा ध्यान ही नहीं गया कि यहाँ पे सोनी है कि नहीं। मशीन ले आए ढाते ढाते गिर मन जाइया, चलो मत आइये संगाई सही तो पकड़े खेच ले खेच ले। आज बना रही है सोनी कटहल की सब्जी, तो कटहल को काटने के लिए तेल की जरूर पड़ती है, अगर तेल नहीं लगाएंगे हाथों पे तो ये चिपक जाएगी, फिर कैसे साफ होगी, साबुन से? साबुन से ना, वो तेल तो से ही होते है। तेल से ही साफ होती है फिर। आज तो सनी सूट में घुस गई देख लो। आज तो थोड़ी राहत लग रही है, आज नहीं गर्मी लगी होगी, आज तो आऊ पूरी होगी ना भाई। हाँ
क्यों पूरे दिन कूलर चलो हमारा तो खैर जाएगा, वहाँ पूरा दिन बाजार में निकल गया आज भागते भागते। लाइट तो आ गई लेकिन रोटी के टाइम पर लाइट भी भाग गई। अब छत पर लेकर कोई दिक्कत नहीं, अब हवा चलने लगी जब से हवा भी बंद थी, अब तो लगवे लग गई हवा। वही योग बैठो खटिया पे भाई, बाबू जी बैठे आज कटहल की सब्जी बनाई, देखो कितनी मस्त लग रही है। सब खाना खाते हैं, ये निकाल लियो। लाइट भागने का तो एक बहाना है दोस्तों, जब छत पे आराम से खुली हवा में सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं ना, बहुत आनंद आता है। बाकी का आप सब बताना कि आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।